में मिट्टी बालू का ढेर जब जमा हो जाता है तो कुछ इसी प्रकार प्रेशर देकर इसे साफ किया जाता है। ये देख रहे हैं प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने वाराणसी का सबसे प्राचीन घाट, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। ये देखिए मणिकर्णिका घाट का यह गली है। वैसे सीधे बात किया जाए, सीधे रास्ता ये बाहर के लिए चला जाएगा, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। ये देख रहे हैं, ये चिमनी है जो कि अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है ये बरसात के समय होता है, क्योंकि घाट जब डूब जाता है तो बरसात के समय इसका यूज किया जाता है। और इस साइड देखिए बहुत ही, ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा शब्द लिखा गया है। और आगे बढ़ने के बाद इस साइड देखिए है तारकेश्वर महादेव मंदिर, देख रहे हैं। और सबसे खास बात इस मंदिर का है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि दो नंदी जी विराजमान हैं। ये देख रहे हैं, और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो चहल बल होता है अपने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट दिखाया है तो दाह संस्कार के लिए जाना जाता है, और एक इसी घाट पर होता है पिंडदान। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं पिंडदान कहां पर हो रहा है। और यहां पर दिखाया है तो एक छोटा सा पार्किंग एरिया है, जो कि जगह होने के कारण यहाँ पर बहुत से लोग जो कि अपना दोपहिया वाहन यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये देख रहे हैं, और कभी कभी देखा जाता है कि यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, जिसमें भीड़ देख रहे हैं। दिखाया तो टोटल जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये तो पूरा साउथ के लोग हैं। ये देख रहे हैं, और जैसा कि मैं बात कर रहा था, पिंडदान इस मणिकर्णिका घाट पर होता है। वो देखिए इस साइड देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं पिंडदान का तैयारी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद मणिकर्णिका घाट पर ही ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं शिवलिंग। चलिए लेकर चलते हैं नीचे, शिवलिंग आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को सजाया गया है। इस साइड देखिए है दान पेटी, ये देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, और चलने के बाद आपको दिखाते हैं सीन रत्नेश्वर महादेव मंदिर का। और ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे आइटम जो है वो बिकते हुए आपको नज़र आ रहा होगा, और चाय भी मिल जाएगा इस घाट पर। ये देखिए, ये देख रहे हैं महिलाएँ। और आगे बढ़ने के बाद इस साइड है मणिकर्णिका कुंड। फिलहाल देख रहे हैं ये पूरी तरह से सूख चुका है मणिकर्णिका कुंड। और दोस्तों आपको बता दें कि मणिकर्णिका कुंड के ही बगल में आप देख पा रहे होंगे जो कि सीढ़ी है, ये बाढ़ के समय इस सीढ़ी का और इस रास्ते का यूज किया जाता है। बाढ़ के समय देखेंगे तो ये पूरा मणिकर्णिका घाट और जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं ये भी पूरी तरह से डूबा रहता है। ये देखिए फिलहाल दिखाया तो पंप के प्रेशर से जो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर को जो है साफ किया जा रहा है। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देख रहे हैं अपने वाराणसी के घाट जितने भी हैं, जब बाढ़ के समय मिट्टी बालू का ढेर जब जमा हो जाता है तो कुछ इसी प्रकार प्रेशर देकर इसे साफ किया जाता है।
ये देख रहे हैं प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त है। देख रहे हैं इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये 6 महीने पानी में डूबा रहता है, यानी कि बाढ़ के समय से लेकर और ये ठंड तक, जो कि इस समय देख पा रहे होंगे जो कि इसमें जनवरी का माह चल रहा है, तो और 6 महीने ये लगभग देखा है तो ये पानी के बाहर रहता है, यानी कि ये देखा है तो ये मंदिर का जो आधा हिस्सा है बाढ़ के समय डूबा रहता है, लेकिन जब गंगा का जलस्तर कम होता है तो धीरे धीरे मंदिर जो है वो दिखने लगता है, लेकिन जो शिवलिंग है वो समझिए कि अभी भी दिखाया तो अभी भी वह नहीं दिख रहा है, जो कि शिवलिंग में जाने के लिए उस साइड से रास्ता है, यानी कि मंदिर में जाने के लिए। चलिए चलते हैं आगे। तो ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार अपने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। ये देख रहे हैं आगे बढ़ने के बाद चले जाएंगे आप सिंधिया घाट के लिए। ये देख रहे हैं जनरेटर है, जनरेटर से पानी खींचा जा रहा है और वहाँ पर पाइप से प्रेशर देकर पूरा जो मिट्टी बालू का जो ढेर है उसे साफ किया जा रहा है। ये देख रहे हैं दृश्य। ये है बहुत ही खूबसूरत दृश्य अपने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से। ये देख रहे हैं ये देखा है तो ये गंगा में से बह कर पूरा आता है घाटों पर और फिर से पानी के प्रेशर से जो है घाटों से इसे लेकर, ये देख रहे हैं पानी बहते हुए जा रहा है गंगा नदी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।